GoDaddy ने SMEs के लिए लॉन्च किया पर्सनल डोमेन। डोमेन प्रोवाइडर कंपनी GoDaddy ने SMEs को बेहतर सोशल मीडिया प्रोफाइल उपलब्ध कराने के लिए पर्सनल डोमेन लॉन्च किया। SMEpost.com की रिपोर्टर पूर्वी शुक्ला की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली आने वाले बजट में SMEs के लिए कई नई घोषणाएं कर सकते हैं। इनमें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड के लिए इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। हाल ही में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड शुरू किया गया था। DIPP ने इसके तहत SMEs से प्रपोजल्स मांगे हैं। सरकार द्वारा MSMEs के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए शुरू की गई योजना UAM में रजिस्ट्रेशन की संख्या अब 153,000 हो गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गोवा को मिल सकती है MSMEs सेक्टर में सबसे बेहतर फंडिंग। 19 जनवरी को नाबार्ड ने एक बड़े क्रेडिट प्लान की घोषणा की थी, जिसमें MSMEs सेक्टर में गोवा को बड़ी फंडिंग मिल सकती है।